हेलो दोस्तों, आज हम आपको संजय लीला भंसाली सर के ऑल मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। संजय लीला भंसाली सर ने 1996 में आई मूवी खामोशी से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लिए कास्ट में नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, सलमान खान और सीमा विश्वास शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई हम दिल दे चुके सनम। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रहा। भारत में कमाई 41 करोड़ 87 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51 करोड़ 38 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2002 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई देवदास। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रहा। भारत में कमाई 42 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 100 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2005 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई ब्लैक। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी और आयशा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 23 करोड़ रहा। भारत में कमाई 33 करोड़ 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 करोड़ 93 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2007 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई सावरिया। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर कपूर, सोनम कपूर, सलमान खान और रानी मुखर्जी शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 करोड़ रहा। भारत में कमाई 29 करोड़ 10 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 39 करोड़ 13 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2010 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई गुजारिश। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और आदित्य रॉय कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 74 करोड़ रहा। भारत में कमाई 40 करोड़ 38 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 54 करोड़ 89 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2011 में डायरेक्टर राघव धार की मूवी आई माय फ्रेंड पिंटू। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रत्येक बब्बर और कल्कि शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 32 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 81 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2012 में डायरेक्टर प्रभु देवा की मूवी आई राउडी राठौर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और गुरदीप कोहली शामिल थे। इस मूवी का बजट 77 करोड़ रहा। भारत में कमाई 180 करोड़ 8 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 198 करोड़ 47 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल डायरेक्टर बेला भंसाली सहगल की मूवी आई सिरिन फरियाद की तो निकल पड़ी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में फराह खान और बोमन ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 19 करोड़ रहा। भारत में कमाई 17 करोड़ 8 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 19 करोड़ 86 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2013 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई गोलियों की रासलीला रामलीला। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण शामिल थे। इस मूवी का बजट 88 करोड़ रहा। भारत में कमाई 152 करोड़ 29 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 201 करोड़ 48 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2014 में डायरेक्टर उमंग कपूर की मूवी आई मेरी कॉम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रियंका चोपड़ा, दर्शन कुमार और सुनील थापा शामिल थे। इस मूवी का बजट 38 करोड़ रहा। भारत में कमाई 73 करोड़ 72 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 86 करोड़ 19 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2015 में डायरेक्टर क्रिस की मूवी आई गब्बर इज बैक। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, श्रुति हसन, सुमन तलवार और सुनील ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 70 करोड़ रहा। भारत में कमाई 81 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 105 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमीट रही। इसी साल संजय लीला भंसाली सर की एक और मूवी आई बाजीराव मस्तानी। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 145 करोड़ रहा। भारत में कमाई 184 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 356 करोड़ 20 लाख कमाए।
के साथ यह मूवी हिट रही। 2018 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई पद्मावत। इस मूवी के लिए कास्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोणे और शाहिद कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 215 करोड़ रहा। भारत में कमाई 360 करोड़ 89 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 545 करोड़ 92 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2019 में डायरेक्टर मंगेश हडवले की मूवी आई मलाल। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। इस मूवी के लीड कास्ट में मीजान जाफरी और शर्मिल सहगल शामिल थे। मूवी का बजट 16 करोड़ रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 70 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2022 में संजय लीला भंसाली सर की मूवी आई गंगूबाई। इस मूवी के लीड कास्ट में आलिया भट्ट, विजय राज और अजय देवगन शामिल थे। इस मूवी का बजट 181 करोड़ रहा। भारत में कमाई 151 करोड़ 38 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 206 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2024 में संजय लीला भंसाली सर की आने वाली मूवी है हीरा मंडी और यह मूवी आपको 17 मई 2024 में सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको संजय लीला भंसाली सर की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।